हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टाइलिश प्रियंका। आज की वीडियो जो है रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने आपसे येलो कलर की साड़ी हॉल, ब्लैक कलर एंड रेड कलर की साड़ी हॉल की वीडियो शेयर की थी, जिसे आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और आपकी रिक्वेस्ट भी आई कि हल्दी साड़ी के लिए आपने येलो कलर की साड़ी का कलेक्शन कंपाइल करके बनाया था। उसी तरह से जो है मेहंदी के लिए, फंक्शन के लिए भी ग्रीन कलर की साड़ी का हॉल का वीडियो आप हमसे शेयर करिए। वही वीडियो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। और सारा ही जो कलेक्शन है वो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और सभी साड़ियाँ जो है मैंने मीशो से ही सेलेक्ट की हैं। बहुत ही खूबसूरत सा कलेक्शन है और आपको जो भी पसंद आता है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल को चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के कलेक्शन में ग्रीन कलर की साड़ी में मैं आपके लिए क्या लेके आई। फर्स्ट जो साड़ी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल है, मेहंदी फंक्शन के लिए या किसी भी पार्टी फंक्शन में आप इसे कैरी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा रिच लुक आता है। बनारसी सिल्क साड़ी है, इसका फैब्रिक जो है सैटन सिल्क का फैब्रिक है। फैब्रिक इसका ना एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट है और काफ़ी शाइनिंग के साथ है। बहुत ही खूबसूरत लगती है पहनने पे, इतना रॉयल सा लुक देती है कि मतलब इसके साथ आप बहुत ही हल्की सी भी एक्सेसराइज करते हैं ना तो बहुत ही रिच लुक आता है। ग्रीन एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन है, मेहंदी फंक्शन के लिए तो एकदम परफेक्ट लगता है मुझे। और जो मैंने हाथ में ये इसका पल्लू पकड़ा है ना, रेड कलर का ये पल्लू नहीं है, ये इसका ब्लाउज़ है। पल्लू ये है जिसपे पूरा वीविंग का काम किया हुआ है। आपको पूरा एकदम प्लेन रेड कलर का और इस ब्लाउज़ मिलेगा। और इसका रेड कलर ना बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का ब्लाउज़ है, एकदम ब्लड रेड कलर का है। बॉर्डर भी बहुत ही प्यारा है और इस साड़ी की लेंथ बहुत ही अच्छी है। साड़ी की जो चौड़ान है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, 5 फीट 6 इंच के लोग थोड़ी सी हील के साथ भी पहन सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ जो मैंने ब्लाउज़ वियर किया हुआ है ये इसका ब्लाउज़ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने इसी का ब्लाउज़ पहना है क्योंकि बॉर्डर से एकदम मैच कर रहा है। लेकिन ब्लाउज इसका जो मैंने हाथ में रेड कलर का फैब्रिक पकड़ा हुआ है ये इसका ब्लाउज़ है। इसकी जो प्राइस है, प्राइस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, 700 या 800 समथिंग इसकी प्राइस है। सुपर अफोर्डेबल प्राइस में मस्ट बाई प्रोडक्ट है। मुझे ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं इसे एक दो बार पहन भी चुकी हूँ, एक बार पूजा में और एक बार किसी पार्टी में मैंने इसे वियर किया था। बहुत ही प्यारी साड़ी है, बॉडी हगिंग सा मटेरियल है। कुछ कुछ बनारसी सिल्क साड़ियाँ ऐसी आती हैं ना जो थोड़ी फूली फूली सी लगती हैं और उन्हें काफ़ी बैठाना पड़ता है उनकी प्लीट्स को, लेकिन ये एकदम बॉडी हगिंग मटेरियल है। फटाफट से आप इस साड़ी को पहन सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और लुक इसका तो आप देख ही सकते हैं, एकदम वाओ लुक लगता है। मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, अगर आपको ये साड़ी पसंद आती है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की। नेक्स्ट साड़ी भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये है जॉर्जेट फैब्रिक में है और इसका जो बॉर्डर है आप देख सकते हैं रेड एंड ग्रीन का, ये भी कॉम्बिनेशन है। इस पर आपको ना श्री श्री लिखा हुआ मिल जाता है। जरी वर्क से एम्ब्रॉयडरी किया गया है और हल्का सा गोटा पट्टी की किनारी भी इसमें लगी हुई है। आंचल में आपको इस तरह से टेसल्स की डिटेलिंग मिल जाती है। और ये जो ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन है। पहनने के बाद इस साड़ी का लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा आ रहा है। बहुत ही लाइट वेटेड है और एकदम आई कैचिंग लुक आता है। एकदम प्लेन सी साड़ी है, सिर्फ बॉर्डर वाली डिटेलिंग जिसपे श्री श्री लिखा हुआ है। साड़ी की लेंथ बहुत ही अच्छी है, फॉल इसका बहुत ही अच्छा आता है पहनने के बाद। इसमें जो है ना आपको रेड कलर का ही ब्लाउज मिल जाता है। मैंने इस पर दूसरा ब्लाउज अपना पहना हुआ क्योंकि ब्लाउज अभी स्टिच नहीं था उस समय जब मैंने इसे ट्राई ऑन किया था। इसके साथ जो मैंने ज्वेलरी पहनी ये भी मैंने मीशो से ही परचेज की। आज के हॉल में मैक्सिमम साड़ियां जो है मीशो की हैं, शायद सिर्फ एक साड़ी मैंने अमेजन से आपको अभी शेयर करूंगी आगे वीडियो में। ये दोनों ही साड़ियां मीशो की थी। बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, बॉडी हगिंग मटेरियल है, 5 फीट 6 इंच वाले आसानी से इसे पहन सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे पर्सनली ये साड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद आई, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, लुक भी बहुत ही प्यारा आता है। इस साड़ी की जो प्राइस है, प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, 600 के अंदर ही ये साड़ी है। बहुत ही खूबसूरत है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। साड़ी की तो बहुत ही अच्छी है, चौड़ान भी 5 फीट 6 इंच तक के लोग आसानी से पहन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट साड़ी की। नेक्स्ट साड़ी भी अगेन जॉर्जेट वाली ही साड़ी है और दोनों ही साड़ियों का जो फैब्रिक है जॉर्जेट का ना, एकदम सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है, वो खुरदुरा वाला जॉर्जेट का फैब्रिक नहीं है। और ये एकदम डार्क काही ग्रीन कलर की ये साड़ी है। इसके पहले भी मैंने डार्क ग्रीन कलर की ही साड़ी दिखाई थी, लेकिन ये वाला जो ग्रीन कलर है ना कुछ ज़्यादा ही डार्क काही ग्रीन कलर है और मुझे ये कलर काफ़ी पसंद भी आया। ऐसा नहीं कि डार्क काही ग्रीन कलर है तो मुझे नहीं पसंद आया है। और ये सदा सौभाग्यवती भव बॉर्डर वाली ये साड़ी है और ये काही ग्रीन कलर में मैंने इसे पिक किया था। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, पहनने पे इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है। मैंने इसे रेड कलर के ब्लाउज के साथ पेयर किया, इसके साथ आपको रेड कलर का ही ब्लाउज मिलता है। बहुत ही प्यारी लगती है इस साड़ी का एकदम, क्योंकि डार्क काही ग्रीन है तो आप इसे मैक्सिमम जो है रेड कलर के साथ एक्सेसराइज कीजिए। इसीलिए मैंने चूड़ियाँ भी रेड कलर की ही पहनी है, ग्रीन कलर नहीं ऐड किया है, ताकि ये साड़ी का लुक ना एकदम उभर के आए और बहुत ही खूबसूरत लगे। ये साड़ी की भी जो प्राइस
प्राइस है 600 या 700 समथिंग है प्राइस, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और ये साड़ी भी मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। अगर आपको ये कलर पसंद आता तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करिए, आपको ये साड़ी पसंद आएगी। इस पर जो एम्ब्रॉयडरी की गई है, जरी वर्क से एम्ब्रॉयडरी की गई, नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी की गई है। जॉर्जेट का फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। साड़ी की लेंथ, साड़ी की चौड़ान बहुत ही अच्छी है, 5 फीट 6 इंच तक के लोग एकदम आसानी से पहन सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अब एकदम समर आने ही वाली है तो आप एकदम लाइट वेटेड में साड़ियों में जा सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा गर्मी भी न लगे और पार्टी में आप आराम से इसे कैरी भी कर सकते हैं। मेहंदी फंक्शन के लिए ये भी साड़ी बहुत ही सुपर्ब है, बहुत ही प्यारी साड़ी है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की। और जो नेक्स्ट साड़ी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, सिर्फ आज के हॉल में यही साड़ी जो है मैंने अमेजन से पिक की है। और ये साड़ी जो प्लीटेड पैटर्न वाली साड़ी है, प्लीटेड का अभी भी बहुत ही ज़्यादा फैशन है और एकदम इसे प्लेन प्लीटेड साड़ी है। मेहंदी फंक्शन में आप इसे कैरी कर सकते हैं। अगर आप एकदम बिल्कुल भी हैवी लुक नहीं चाहते हैं, लाइट एंड स्टाइलिश लुक चाहते हैं, तो आप इस साड़ी को कैरी कर सकते हैं। प्लीटेड साड़ी है, सैटन सिल्क का फैब्रिक है और जॉर्जेट का फैब्रिक नहीं है, ये एकदम शाइनिंग सा फैब्रिक आएगा, अपने आप में ही पार्टी लुक साड़ी है। ये प्लेन है तो भी इसके साथ आप कोई भी हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली ब्लाउज कैरी कर सकते हैं या फिर प्लेन सैटन सिल्क की भी ब्लाउज इस पर आप इस पर एक साथ कैरी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा और आप अपने अकॉर्डिंग इसे एक्सेसराइज कर सकते हैं, रेड कलर की चूड़ियाँ के साथ या फिर ग्रीन कलर का भी पूरा आउटफिट आप रख सकते हैं मोनोक्रोमेटिक लुक के लिए, वो भी बहुत ही अच्छा लुक निकल के आएगा। मेहंदी फंक्शन में ये साड़ी भी बहुत ही प्यारी लगने वाली है और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इसकी जो प्राइस है, प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अमेजन की लिंक मैं दे दूंगी और जो भी मैंने मीशो के प्रोडक्ट आपसे शेयर कर रही हूँ सबका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा फ्रेंड्स। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये साड़ी भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। साड़ी की लेंथ बहुत ही अच्छी है, साड़ी की जो चौड़ान है 5 फीट 6 इंच तक के लोग एकदम आसानी से पहन सकते हैं। मेरी हाइट जो है 5 फीट 6 इंच है और बहुत ही कंफर्टेबली मैंने इस साड़ी को वियर कर लिया था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट साड़ी की। नेक्स्ट साड़ी जो है लहरिया प्रिंट एंड गोटा पट्टी में होने वाली है। लहरिया प्रिंट कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है, हमेशा ही ट्रेंड में रहती है। गोटा पट्टी तो आजकल ट्रेंड में है ही है। बहुत ही खूबसूरत धानी ग्रीन कलर सा, खुला खुला ग्रीन कलर है इसका और बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन के साथ है, रानी एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन। इस पर बहुत ही प्यारा जो है गोटा पट्टी के लेस से डिटेलिंग की गई है बॉर्डर पर। इसका बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत है, इसमें आपको पिंक कलर की पाइपिंग की डिटेलिंग भी मिल जाती है और गोटा पट्टी के लेस की डिटेलिंग आपको इसमें मिल जाती है। शिफॉन की साड़ी है, काफ़ी लाइट वेटेड है और एकदम बॉडी हगिंग सा मटेरियल है, बहुत ही खूबसूरत लगती है पहनने पे, बहुत ही प्यारी साड़ी है। और इसकी जो प्राइस है, प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, इसे मैंने मीशो से परचेज किया है। साड़ी की लेंथ बहुत ही अच्छी है लेकिन इस साड़ी की जो चौड़ान है ना 5 फीट 6 इंच तक के लोग पहन सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही टक इन करके। मेरी हाइट जो है 5 फीट 6 इंच है, मैं एकदम ज़रा ज़रा ही टक इन करके ये साड़ी पहनती हूँ, लेकिन मुझे ये साड़ी इतनी ज़्यादा पसंद है मैंने इसे रिटर्न नहीं किया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है टक इन करने में, लेकिन मैं फिर भी इस साड़ी को 2 से 3 बार पहन चुकी हूँ। मैं अभी जो है मदुरई आई हुई हूँ, मीनाक्षी मंदिर दर्शन करने जब मैं गई थी तो मैंने इसी साड़ी को पहना था। मैं उसकी पिक यहाँ लगा दूंगी। बहुत ही प्यारी साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत है और 5 फीट 5 इंच तक के लोग एकदम आसानी से पहन सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इस साड़ी को विदाउट हील ही कैरी किया है जब भी मैंने इस साड़ी को पहना है। इसके साथ जो ब्लाउज़ मैंने वियर किया है, ये है लैक्रा काइंड का ब्लाउज़ है जिसपे गोटा पट्टी के वर्क की डिटेलिंग दी हुई है। इस साड़ी के साथ ये ब्लाउज ना बहुत ही सुपर्ब लगता है, बिल्कुल इसी का ब्लाउज है। लेकिन इसके साथ ना आपको ना एकदम प्लेन पिंक कलर का ब्लाउज मिलेगा जिसपे आपको ये गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल जाती है। ये साड़ी भी मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की। नेक्स्ट साड़ी जो है बनारसी सिल्क पैटर्न में है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरी साड़ी में आपको ना जरी वर्क का काम मिलेगा, बीच बीच में बिल्कुल पोल्का डॉट सा लुक आएगा जो कि वीविंग का ही काम है, कुछ भी प्रिंटेड नहीं है, सब कुछ वीविंग का काम है। काफी ब्रॉड सा बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाती है, रेड एंड मैरून कलर का कॉम्बिनेशन है इसके साथ, बहुत ही प्यारी साड़ी है। और इसके साथ मैंने जो ब्लाउज पेयर किया है सेम इसी साड़ी का ही ब्लाउज मैंने पहना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, बहुत ही प्यारी है और इसका आंचल आप देख सकते हैं डार्क मैरून कलर में पूरा भरा हुआ जाल वर्क आपको मिल जाता है। और ये साड़ी भी बनारसी सिल्क साड़ी ना एकदम बॉडी हगिंग मटेरियल है, बिल्कुल भी फूली फूली नहीं नजर आती है पहनने के बाद, एकदम आराम से आप इसे कैरी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसकी जो चौड़ान है बहुत ही अच्छी है, 5
5 फिट 7 इंच तक के लोग आसानी से पहन सकते हैं विदाउट हील। और इस साड़ी की जो लंबाई है वो भी बहुत ही अच्छी, आप देख सकते हैं फ्रंट में कितने अच्छे से प्लीट्स इसमें बन रहे हैं। इसकी जो प्राइस है प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और लाइट वेटेड है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही हैवी वेटेड आपको ये साड़ी मिलने वाली है। बहुत ही प्यारी साड़ी है। और ये साड़ी आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी ग्रीन कलर की साड़ी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और शेयर करना ना भूलिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की। नेक्स्ट साड़ी जो वेलवेट में मैंने पिक की है, वेलवेट आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है तो इसे हम कैसे भूल सकते हैं, तो इसे तो इसमें इंक्लूड करना ही था। का ही ग्रीन कलर का वेलवेट की साड़ी है और येलो कॉम्बिनेशन के साथ है, येलो कलर का इसका ब्लाउज आपको मिल जाता है। बहुत ही प्यारी साड़ी है, इस पर आपको जो ये बॉर्डर की डिटेलिंग है ना, सीक्वेंस एंड जरी वर्क का काम हो रखा है तो काफ़ी ब्लिंगी सा आएगा, और बीच बीच में पूरा सीक्वेंस से एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी की गई है। जो वेलवेट का फैब्रिक है काफ़ी लाइट वेटेड फैब्रिक है, हैवी नहीं है तो आसानी से आप इसे कैरी भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो तो आप वेलवेट के साथ मत जाइएगा अगर आप जहाँ भी रहते हैं, अगर ज़्यादा गर्मी है तो, क्योंकि वेलवेट में जो है आपको गर्मी लगती ही लगती है। अगर हाँ हल्का सा वेदर ठंडा है तो आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी साड़ी है, और इस साड़ी की भी जो लंबाई है बहुत ही अच्छी है, इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी रखी है, लेकिन इसकी जो चौड़ान है ना 5 फिट 5 इंच तक के लोग ही पहन सकते हैं। ये साड़ी जो है मैंने बहुत ही जरा जरा टकिंग की थी, मेरी हाइट जो 5 फिट 6 इंच है, और इसके साथ आपको ना येलो कलर का ब्लाउज मिल जाता है और एक जो है आपको बेल्ट भी मिल जाती है जिसे आप जो है कमर पर टाई कर सकते हैं, सेम यही बॉर्डर की डिटेलिंग के साथ है। और ये जो बॉर्डर वाली डिटेलिंग है फ्रेंड्स ना, ये जो है आपके फर्स्ट प्लीट के बिल्कुल पास तक ही बस आएगी, मतलब राइट लेग के जस्ट पीछे तक नहीं जाएगी। इसके साथ जो इन्होंने बेल्ट दिया है ना, उस बेल्ट को जो है आप अगर बेल्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो उस बेल्ट पूरा एकदम बॉर्डर ही जैसा, उस बॉर्डर को जो है आप अपनी साड़ी में स्टिच करवा सकते हैं, तो ये जो बॉर्डर की डिटेलिंग है ना ये पूरा आपके साड़ी में पीछे तक आ जाएगी और बहुत ही प्यारी साड़ी लगेगी बनने के बाद, बहुत ही प्यारी लगेगी। नहीं अगर आप नहीं भी लगवाते हैं बेल्ट तो यहाँ तक आपको इस साड़ी में बॉर्डर की डिटेलिंग आने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की। नेक्स्ट साड़ी भी अगेन बनारसी सिल्क पैटर्न पे ही है, धानी एंड नेवी ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है। मैंने इस ग्रीन कलर की साड़ी के कॉम्बिनेशन में इस साड़ी को इसलिए रखा ना क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट लुक आएगा, आप इसे मेहंदी फंक्शन में कैरी कर सकते हैं क्योंकि इसमें हल्का सा ग्रीन कलर का बॉर्डर है, धानी ग्रीन कलर का, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस ब्लू कलर की साड़ी के साथ इसका जो कंट्रास्ट कलर कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है पहनने पर, ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत लगती है। और जिस पर बॉर्डर बने आप देख सकते हैं, बीच बीच में आपको मरून कलर के प्रिंटिंग जो दिख रही है ना, पूरा मीनाकारी जैसा काम नजर आता है, विविंग का काम है सब कुछ, और बहुत ही सॉफ्ट साड़ी है, एकदम मुट्ठी में आने वाली बनारसी सिल्क सा पैटर्न है, आप इसे समर में भी कैरी कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है, बॉडी हगिंग मटेरियल है, कहीं से भी ये साड़ी ना में कड़कपन नहीं है या फिर फूली फूली नहीं नजर आएगी, नहीं तो बहुत सी बनारसी सिल्क साड़ियां ऐसी आती है ना थोड़ी सी फूली फूली नजर आती है, उन्हें काफी ज्यादा बैठाना पड़ता है, लेकिन ये साड़ी एकदम बॉडी हगिंग मटेरियल। इस साड़ी की जो प्राइस है मैं प्राइस स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। इस साड़ी की लेंथ इन्होंने बहुत ही अच्छी रखी है, लेकिन इस साड़ी की जो चौड़ान है ना फ्रेंड्स, ये साड़ी मुझे काफ़ी ऊंची आ रही है, आप देख सकते हैं मैंने जबकि बहुत ही नीचे टकिन किया है तब पर भी। और इस साड़ी को जो है ना सिर्फ 5 फिट 4 इंच तक के लोग ही आसानी से कैरी कर सकते हैं क्योंकि 5 फिट 5 इंच वालों को भी ये बिल्कुल ज़रा ज़रा ही टकिन कर पाएंगे, तो 5 फिट 4 इंच तक की हाइट जिसकी भी है ना वो आसानी से साड़ी को कैरी कर सकता है। साड़ी की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, लेंथ भी अच्छी इन्होंने रखी है, लुक भी बहुत ही प्यारा आता है, किसी भी पार्टी फंक्शन में आप इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट साड़ी की। नेक्स्ट साड़ी भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, रानी एंड एकदम लाइट पिस्ता ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में इसका आंचल इस साड़ी की जान है, बहुत ही खूबसूरत इसमें टेसल्स लगे हुए हैं, पूरा विविंग का काम है, और जो विविंग का काम है ना सिल्वर विविंग का काम हो रखा है, गोल्डन विविंग का काम नहीं है, सिल्वर जरी वर्क का काम आपको इस पूरी साड़ी में मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत सा कलर कॉम्बिनेशन है, मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये साड़ी, और इस साड़ी का जो आंचल है ना इस साड़ी में एकदम 4 चांद लगा देता है, बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे टेसल्स लगे हुए हैं और बहुत ही पास पास भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही दूर दूर हैं, ये टेसल्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में और इस साड़ी को काफ़ी रिच लुक भी बनाते हैं। और वीविंग का जो काम है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन है, साड़ी में शाइनिंग बहुत ही अच्छी है, और इस साड़ी का जो फैब्रिक है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है, एकदम बॉडी हगिंग मटेरियल है, और प्लीट्स इसमें बहुत ही अच्छे से बनते हैं, इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है पहनने के बाद। इसका जो ब्लाउज आपको मिलेगा ना, एकदम डार्क रानी कलर का ही ब्लाउज इसके साथ आपको मिलने वाला है। इस साड़ी की लेंथ बहुत ही अच्छी है, इस साड़ी की जो चौड़ान है 5 फिट 7 इंच तक के लोग आसानी से कैरी कर सकते हैं, 5 फिट 7 इंच वाले विदाउट हील ही इसे कैरी कर पाएंगे, और बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, बहुत ही प्यारी लगी मुझे।
और सुपर अफोर्डेबल प्राइस में। इसकी जो प्राइस है आई थिंक 600 समथिंग है प्राइस, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और इस साड़ी को भी आप किसी भी पार्टी फंक्शन में कैरी कर सकते हैं, मेहंदी फंक्शन में भी आप इस साड़ी को कैरी कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाली, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये साड़ी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट साड़ी की। नेक्स्ट साड़ी भी सिल्क पैटर्न में ही है, बहुत ही खूबसूरत है, यूनिक सा कलर कॉम्बिनेशन है इसका, गाजरी एंड धानी कलर का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारी साड़ी लगती है और लुक इसका एकदम डिफरेंट आता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम डिफरेंट लुक की साड़ी आएगी, काफ़ी ब्रॉड सा बॉर्डर की डिटेलिंग आपको मिल जाती है और साड़ी में शाइनिंग भी काफ़ी अच्छी है, सिल्वर विविंग का काम हो रखा है जो कि साड़ी के लुक को और भी खूबसूरत बना रहा है। इसका आंचल जो है एकदम रिच लुक आने वाला है पल्ला, और ये धानी कलर पर भी ना बीच बीच में आपको पिंक कलर की डिटेलिंग मिल जाती है। सब कुछ विविंग का काम है, कुछ भी प्रिंटेड नहीं है, और इसका जो पैटर्न है वो मुझे काफ़ी पसंद आया है। और इस साड़ी की जो प्लीट्स बनती है ना, थोड़ा सा आपको इसको हाथ से ही प्रेस करना पड़ता है, हल्का सा आपको इस साड़ी को बैठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि साड़ी कड़कपन में है, सॉफ्ट ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको अरेंज करनी पड़ेगी, फटाफट से नहीं होगा कि हाँ बस आपने कैसे भी प्लीट्स बनाई। प्लीट्स बनाने के बाद आपको थोड़ा सा अरेंज करना होगा, लुक इसका काफ़ी अच्छा आने वाला है। इस साड़ी को भी आप मेहंदी फंक्शन में कैरी कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है 1000 समथिंग है, प्राइस मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी। फैब्रिक की क्वालिटी भी अच्छी है, लुक वाइज भी अच्छा है। साड़ी की लेंथ बहुत ही अच्छी है, बहुत सारे प्लीट्स बन रहे थे। साड़ी की जो चौड़ान है 5 फीट 7 इंच तक के लोग एकदम आसानी से कैरी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा विड्थ के साथ ये साड़ी है, तो एकदम आसानी से आप कैरी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट साड़ी की। नेक्स्ट साड़ी जो है एकदम डार्क ग्रीन कलर की साड़ी है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सीक्वेंस कलर का इसमें बॉर्डर लगा है, ब्लैक सीक्वेंस वाला बॉर्डर लगा हुआ है। और ये साड़ी ना रेडी टू वियर पल्ला है, बस पल्ला जो है आपको पूरा फुल्ली स्टिच करके मिलता है, बाकी पूरी साड़ी आपको फ्री मिलेगी, आपको फ्रंट वाले प्लीट्स आपको खुद बनाने होंगे, बाकी पल्ला जो इसका रेडी टू वियर है। और इस तरह से इसमें रफल वाले पैटर्न लगे हैं, लैक्रा का काइंड का फैब्रिक है, लैक्रा फैब्रिक की साड़ी है, बहुत ही लाइट वेटेड है, सुपर लाइट वेटेड साड़ी है, प्लीट्स भी बहुत आसानी से बनते हैं, इसका फॉल भी बहुत ही अच्छा आता है। इसके साथ मैंने अपनी तरफ से ने अलग सा सीक्वेंस का रेडीमेड ब्लाउज कैरी किया हुआ है, इसे मैंने अमेजन से लिया था। और ये साड़ी जो है फ्लिपकार्ट की साड़ी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साड़ी की लेंथ इन्होंने काफ़ी अच्छी रखी, लेकिन इस साड़ी की चौड़ान में इन्होंने बहुत सारी कंजूसी की है, मुझे काफ़ी ऊँची आ रही थी, लेकिन जिसकी भी हाइट ना 5 फिट 4 इंच से कम है वो आसानी से इसे कैरी कर सकता है, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत ही लाइट वेटेड है, ईजी टू मेंटेन साड़ी है, फटाफट से इसका पल्ला भी बन जाता है, कोई भी इसमें ज़्यादा तामझाम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि पल्ला बनाने में थोड़ी सी बहुत लोगों को दिक्कत होती है, बिगनर्स के लिए बहुत ही प्यारी साड़ी है। इसकी जो प्राइस है, प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, सभी की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेकआउट करिएगा। कौन सी ग्रीन कलर की साड़ी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों यही था मेरा आज का मीशो साड़ी हॉल की वीडियो, हैशटैग ग्रीन कलर। आई होप आपको आज की साड़ियाँ पसंद आई होंगी, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।